जिज्ञासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में प्रत्येक दिवस की भांति आज भी रात्रि नौ बजे लाइव चर्चा लाइव व्याख्यान यह लेकर हम उपस्थित हैं और आप सभी से बढ़ते हुए क्रम में तैतरीय उपनिषद पर चर्चा चल रही है जैसा कि आपको विदित है उसी के बढ़ते हुए क्रम में ब्रह्मानंद वल्ली द्वितीय वल्ली तृतीय उपनिषद के अष्टम अनुवाक पर हम चर्चा करेंगे यद्यपि अष्टम अनुवाक का जो विषय है वह ब्रह्मानंद का विषय है आनंद का विषय है परमानंद के रहस्य को इसमें समझाया गया है कि परमानंद या आध्यात्मिक आनंद क्या होता है कैसा होता है आध्यात्मिक आनंद की तुलना सांसारिक और दिव्य आनंदों से भी किया गया तो क्या अंतर है इस सब पर हम आएंगे लेकिन जो इसका प्रथम विषय है वह है भय यह भय क्या है भय ही है जो मनुष्य से कर्म करवा रहा है भय ही है जिसके कारण से सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं भय ही है जिससे कि ये हवाएं चल रही हैं, भय ही है जिससे यह प्रकृति निरंतर ही क्रिया में और प्रतिक्रिया में लगी हुई है भय के कारण ही कोई जन्म ले रहा है और कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है भय ही है जो आवागमन का कारण है पुनरअपि जनम पुनर पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जटरे भय कई प्रकार के भय हैं। किसी को अपनों का खो जाने का भय है किसी को कुछ ना प्राप्त होने का भय है किसी को खो जाने का भय किसी को लक्ष्य ना मिलने का भय किसी को मान सम्मान खोने का भय किसी को प्रतिष्ठा खोने का भय अनेकों भयों से जीव ग्रस्त है मनुष्य ग्रस्त है परंतु निर्भय पद को कौन प्राप्त करता है कल भी हमने सुना कि जो परमात्मा से वियोग रखते हैं उस ब्रह्म से वियोग रखते हैं अर्थात योग के मार्ग पर नहीं चलते भले ही वह यह मानते हो कि हाँ ब्रह्म है भले ही वह यह मानते हो कि हाँ ईश्वर है लेकिन फिर भी उनकी जो वृत्ति है वह वियोग की वृत्ति है योग वृत्ति नहीं हुई योग वृत्ति का विकास उन्होंने अपने जीवन में नहीं किया योग संस्कारों का विकास नहीं किया अभी भी भोग वृत्ति ही हावी है अब चाहे वह कोई विद्वान हो शास्त्रज्ञ हो या वह ब्रह्म को मानने वाला हो ईश्वर को मानने वाला हो अगर योग वृत्ति में नहीं है तो उसे उसकी प्राप्ति नहीं होने वाली वह भयभीत रहेगा और पुनरापि जर्णम पुनरअपि मरणम यह उसके लिए लगा रहेगा यह कल के व्याख्यान में हम इन बातों को सुन चुके हैं उसी का आधार लेकर कहा जा रहा है कि भय है सबसे बड़ा भय किसका है तो ब्रह्म का भय है ब्रह्म के भय से ही यह प्रकृति क्रियाशील होती है किस प्रकार से प्रकृति सक्रिय है लेकिन सक्रिय ब्रह्म के भय के कारण है किस प्रकार से क्या कहा जा रहा है तो ब्रह्मानंद वल्ली तैत्तिरीय उपनिषद के अष्टम अनुवाद के प्रथम श्लोक में कहते हैं भीष्माश्मा द्वात पवते भिषो देती सूर्य आद अग्निश्च इंद्रश्च इति पंचम कि ब्रह्म के भय से इसी के भय से पवन चलता है इसी के भय से सूर्य उदय होता है इसी के भय से अग्नि और इंद्र और पांचवा मृत्यु अपना अपना कार्य करने में प्रवृत्त हो रहे हैं इसी के भय से उम्र भी बढ़ जाती है जन्म और मृत्यु की घटनाएं भी घट जाती हैं पवन भी चलता है सूर्य भी उदय होता है इंद्र आदि देवता अपना सारा कार्यभार वो संभालते हैं उस ब्रह्म के भय से संभालते हैं ब्रह्म का भय ही उनका प्रेरक है पंखा घूम रहा है क्यों घूम रहा है बिजली का भय है उसे अगर नहीं घूमेगा तो बिजली के अंदर इतनी ताकत कि उसे जलाकर भस्म कर दे कुछ इस प्रकार हम कह सकते हैं तो वो ब्रह्म वह तो सर्वव्यापी तत्व है उसके भय से ही यह संपूर्ण प्रकृति कार्यरत है पंचभूत अपना कार्य कर रहे हैं हिरण्य गर्भ के अंदर होने वाली सारी सृष्टि हो रही है और फिर प्रलय हो रहा है यह सृष्टि और प्रलय भी निरंतर ही चले जा रहा है सब कुछ उसके भय से है उसके भय के वश में है इसलिए भय जब हम बात करते हैं आहार निद्रा भय मैथुन तो ज्यादातर लोग मैथुन के बारे में बात कर लेते हैं आहार निद्रा की भी बात कर लेते हैं लेकिन भय को लेकर बड़े संशयग्रस्त रहते हैं तो इन सब में जो बहुत जड़ प्रवृत्ति है जीव की वह भय है भय के वशीभूत ही वह शरीर धारण कर रहा है भय के वशीभूत ही मृत्यु को प्राप्त होकर दोबारा शरीर धारण कर रहा है पुनरअपि जननम, पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम तो यह सब भय के कारण है और यह भय किसका है ब्रह्म का भय है ब्रह्म का भय है जो ब्रह्म के साथ योग मार्ग में ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में स्वरूप की उपलब्धि करने के मार्ग में महर्षि पतंजलि ने जो कहा है जो योग मार्गी है जिसकी वृत्ति योग की बनती जा रही है वह इस भय से मुक्त हो रहा है जन्म मृत्यु के भय से वो सम की अवस्था में जा रहा है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो उसको अनेकों सुख अनेकों दुख का भय नहीं मानहानि का भय नहीं जय पराजय का भय नहीं वह अपने सम की अवस्था में जा रहा है उसे इन सब बातों की चिंता नहीं कुछ लोग उसे भक्त मान लेंगे या कोई संस्था उसको मुकुट पहना देगी कि भाई ये भक्त है वो इन सब बातों का लालची भी नहीं तो वो उन सब में सम की अवस्था में चले जा रहा है योग की अवस्था में चले जा रहा है तो उसका भय नष्ट होता है वह निर्भय पद की प्राप्ति भी कर लेता है परंतु जो योग मार्गी नहीं जो वियोग की अवस्था क्योंकि पिछले व्याख्यान में हमने वियोग के बारे में सुना ब्रह्म की प्राप्ति किसे होती है यह व्याख्यान आप पहले ही सुन चुके कल ही हमने इसको किया था तो जो वियोग की अवस्था में नहीं है योग की अवस्था में है उन्हीं को ब्रह्म की प्राप्ति होती है और वह निर्भय पद को प्राप्त करते हैं अन्यथा जितने भी हैं यह पंचभूत यह कर्म इंद्रिया यह ज्ञान इंद्रिया यह पंचतन मात्राएं यह मन यह बुद्धि यह अहंकार सब उस ब्रह्म के भय से भयभीत होकर अथवा उसके भय से प्रेरित होकर क्रियाशील बने हुए हैं क्रियाशील बने हुए हैं कर्म किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं एक क्षण के लिए भी प्रकृति रुकती नहीं है श्री कृष्ण भगवान श्रीमद भगवत गीता में कहते हैं क्या कहते हैं ना तो क्षण जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कि क्षण मात्र के लिए भी तू कर्म का त्याग नहीं कर सकता क्षण मात्र के लिए भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता क्षण मात्र के लिए भी तेरे द्वारा कर्म को त्यागना कर मुश्किल श्वास लेते श्वास छोड़ते आंखों को मिचते आंखों को खोलते तू कर्म के बंधन में बंधे जा रहा है कर्म होए जा रहा है कर्म रुकने वाला नहीं कर्म तो वो गाड़ी है जिस गाड़ी में बैठ के अब गाड़ी चलेगी आप चलो चाहे मत चलो आप मानते रहो कि आप तो बैठे हुए हो लेकिन गाड़ी तो चल रही है प्रकृति चल रही है और प्रकृति के बंधन में होने के कारण आप भी चल रहे हैं परवश होने के कारण तो कर्मों को रोक रोकना आपके वश का नहीं उसके भय से उस ब्रह्म के भय से निरंतर पृथ्वी भाग रही है उसी का भय है अंततः उसी की प्रेरणा है जिससे सब कुछ चल रहा है अब आप सोचो कि तीस किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में तीस किलोमीटर की दूरी या पृथ्वी तय कर लेती है इस गति से वो घूमती है तो कौन कौन उसको प्रेरित कर रहा हा फिजिक्स के अनुसार कई सारी फोर्सेस हैं, लेकिन उन फोर्सेस के पीछे भी कौन है तो ये पृथ्वी के लिए हम कह रहे हैं अर्थ के लिए कह रहे हैं लेकिन प्रकृति जब हम कहते हैं प्रकृति तो प्रकृति के अंदर तो संपूर्ण ब्रह्मांड ही आ जाता है बाहर में संपूर्ण ब्रह्मांड आ जाता है और भीतर में आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार सब आ जाता है ये सबके सब उस ब्रह्म से प्रेरित हैं, सबके सब, सब अंतता उस ब्रह्म के कारण ही टिके हुए हैं और उसी से भयभीत होकर यह निरंतर क्रियाशील हैं निरंतर ही कर्म परायण बने हुए हैं और ये चलता ही रहेगा रुकने वाला नहीं है क्योंकि उसका भय है तो यहां पर इस श्लोक में इसी विषय को स्पष्ट किया जा रहा है कि भीषा वात एवते भीषा सूर्य अस्मात भीषा अग्नि च इंद्र च पंचम इति कि इसी के भय से उस पर ब्रह्म के ही भय से जो ब्रह्म को जानने की बात है तो उसके भय से आप बंधे हुए हैं लेकिन वही इस भय का नाश शुरू होगा जब आप योग मार्गी बनेंगे योग मार्ग पर जब आप कदम आगे बढ़ाएंगे योग मार्ग पर जब आप चलते रहेंगे तो यह भय धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा सम की अवस्था की ओर हम चलना शुरू कर देंगे बहुत प्रकार के भय हो सकते हैं लेकिन योगी को किसी प्रकार का भय नहीं होता कौन सा भय नहीं होता किसी प्रकार का भय नहीं होता आगे के श्लोक में थोड़ा और बताया गया है कहते हैं कि आनंद संबंधी विचार आरंभ होता है जो अब आनंद संबंधी यद्यपि विचार वो कर रहे हैं बता रहे हैं लेकिन अंत में इसमें भी इस पूरी व्याख्यान में आनंद का विषय है तो कहा जाता है कि उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता कौन कौन से भय नहीं होते एक तो आनंद की तुलना सांसारिक आनंद देवताओं का आनंद ब्रह्मा का आनंद प्रजापति का आनंद इन सब की तुलना इसमें की गई है इस अध्याय के तो आनंद का एक विषय है जो कि हम कल जिस पर चर्चा लेकर आएंगे परंतु इसी चर्चा में अंत में एक और बात भय से संबंधित क्योंकि इसका इस अध्याय का प्रारंभ भय से हो रहा है तो अंत में भी भय की चर्चा है ठीक है तो अंत में बताया गया है कि उस ब्रह्मानंद को जानने वाले उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता यहां पर श्लोक के अंदर में आपको नवम अनुवाक में आ जाएगा वो श्लोक जहां हालांकि दोबारा हम रिपीट करेंगे लेकिन आज भय का विषय है तो इसको हम ले रहे हैं ये नवम अनुवाक का है अभी तो हम अष्ट के प्रथम अनुवाक पर हैं प्रथम श्लोक पर है तो नवम अनुवाक के आखिरी में कहा जा रहा है तपती किम हम साधु ना आत्मनम कि हवा यह प्रसिद्धि जिसने ब्रह्मानंद को प्राप्त किया है श्रेष्ठ कर्म नहीं किया क्यों वो इस बात की चिंता नहीं करता यह प्रसिद्धि है कि उसको ब्रह्मानंद को प्राप्त करने वाले को यह बातें चिंता चिंतित नहीं करती कि मैंने यह कर्म क्यों नहीं किया मुझसे यह पाप क्यों हो गया मुझसे यह पुण्य क्यों नहीं हुआ मेरा अपमान क्यों हो गया मेरा मान क्यों नहीं हुआ मुझे सुख की प्राप्ति हुई या मुझे दुख की प्राप्ति हुई मुझे प्रशंसा मिली या मुझे अपयश मिला यहां तक कि कहा जा रहा है साफ साफ लिखा जा रहा है पाप मकरव पाप मकरव मीति अर्थात मैंने पाप किया कि पुण्य किया इन अवस्थाओं से वह ऊपर उठ जाता है इसीलिए पाप से मिलने वाला फल उसे दुखी नहीं करता और पुण्य से मिलने वाला फल उसे सुखी नहीं करता ये सबसे बड़ी बात है तो वो पाप पुण्य यही बात गीता कैसे समझेंगे कृष्ण किस अवस्था में अपनी बातों को कह रहे हैं वो समझना पड़ेगा तो ना वहां पाप और ना वहां पुण्य यह दोनों ही नहीं रह जाता वहां पर तो उसे पाप का भय नहीं पुण्य की प्रसन्नता नहीं इन दोनों के प्रति आसक्त नहीं होता वैसा पुरुष इन दोनों के प्रति आसक्त नहीं होता और करने योग्य जो कर्तव्य है जो जरूरी कर्म है वो करता है वो करता है फिर वहां पर निष्काम कर्म ही महत्व रखता है वहां पर पाप और पुण्य महत्व नहीं रखता फिर कि ये पाप है और ये पुण्य है इस बंधन को खत्म कर दिया जाता है तो प्रश्न उठता है कि क्या आम मनुष्य को नहीं रखना चाहिए ध्यान रखना चाहिए जी पाप से बचो पुण्य करो कृष्ण जिस अवस्था में कह रहे हैं तो श्री कृष्ण भगवान के लिए ना कोई कर्म पाप है और ना ही कोई कर्म पुण्य है उस समय जो धर्म युक्त है उसी की प्रेरणा वो अर्जुन को दिए जा रहे हैं तो उस संदर्भ को इस श्लोक से समझा जा सकता है जो भय के ऊपर तो ऐसी अवस्था को योगी योगी प्राप्त करता है एक बार ध्यान रखिएगा इसीलिए गीता के प्रारंभिक अध्यायों में योग साधना का बहुत महत्व बताया गया है छठे अध्याय में ध्यान योग के बारे में विशेष चर्चा की गई है अभ्यास योग और ध्यान योग के बारे में तो यह एक अवस्था है ना कि जबरदस्ती कोई लाने वाली चीज है नहीं तो लोग अपने स्वार्थ के अनुसार अपने ऊपर नियम लागू करते हैं जब मर्जी किया कोई गीता का श्लोक बोलकर अपने ऊपर बोल दिया गया ऐसे कहा गया वैसा अरे भाई कई बातें उस योग की सिद्धा अवस्था से कृष्ण भगवान ने कही है ठीक है तो उसको वैसे ही तो इसीलिए यहां पर जो निर्भय पद को प्राप्त करने वाले हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि वो पाप पुण्य की चिंता नहीं करते ना ही उनको चिंतित होने की कोई आवश्यकता है क्योंकि वो ब्रह्मानंद को प्राप्त कर चुके हैं वो निर्भय पद को प्राप्त कर चुके हैं अन्यथा जिसकी वृत्ति योग में नहीं है जो वियोग में है वो निश्चय ही उसे तो जन्म लेना वो तो भयभीत ही रहेगा भय की अवस्था में उसका बना रहेगा और पुनर्पि जर्णम पुनर् मरणम लगा ही रहेगा मृत्यु लोक में आना जाना उसका बना ही रहेगा वो खत्म होने वाला नहीं है इसलिए जिज्ञासु यह थोड़ा सा गुड़ विषय है भय के ऊपर भय वृत्ति के ऊपर यह भय उस ब्रह्म का ही भय है सारे देवता लगे हुए हैं अपने काम में पंचभूत अपने काम में लगे हुए हैं प्रकृति अपना काम करती रही आपको जो करना है करो आपको राजनीति करना है करो आपको जो करना है करो आप लेकिन वह अपना खेल करती रहेगी अपनी खेल को वो चलाती रहेगी ठीक है हम उससे निकलना चाहते हैं सुख दुख पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे बार बार जन्म लेना बार बार मृत्यु को प्राप्त होना बार बार जठर अग्नि में नौ महीने रहना जन्म बारम बार पाया मरण दुख हर बार झेला जननी जठर में या सुख दुखों का खेल खेला पार करना हे अगम संसार सागर विश्व भारी पाही प्रभु पाही प्रभु अवलंब तुम्ही अब मुरारी तो बार बार जन्म लेना बार बार मृत्यु को प्राप्त होना जठराग्नि तो यह इसका भय बना हुआ और बार बार ये दुख बना रहेगा जब तक योग वृत्ति का विकास नहीं करोगे वियोग की अवस्था में रहोगे लगा रहेगा ठीक है जितना समय बीत गया बीत गया आगे प्रयास करें कि अपनी योग वृत्ति को विकसित करें तभी जाकर आप इसका लाभ उठा पाएंगे योग वृत्ति को विकसित कर ही निर्भय पद को प्राप्त कर पाएंगे तो वियोग की अवस्था में मत रहिए योग की अवस्था में आ जाइए योग की अवस्था में रहिए यही उपदेश यहां देने का प्रयास किया अनंत था यह संपूर्ण प्रकृति भय के है ब्रह्म के भय के कारण काम कर रही है उसी का भय है जिससे सूर्य उदय हो रहा है अस्त हो रहा है सूर्य प्रकाश दे रहा है रोशनी दे रहा है चंद्रमा अपना कार्य कर रहा है पवन वायु अपना तत्व सारे पंचभूत अपने काम कर रहे हैं इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, बरत रही हैं सब इस सृष्टि कार्य में लगी हुई है ठीक है तो ये हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए इस भय से मुक्त होने के लिए स्वयं के अंदर इन सभी संसार में जो कर्म है प्रकृति के वह तो रहेंगे लेकिन निष्काम भाव से वो होंगे फिर योगी के द्वारा और वो अपने योग वृत्ति का विकास कर लेगा जब योग वृत्ति का पूर्ण विकास हो जाता है तो बाकी जो वृत्तियां हैं आहार मैथुन इन इन वृत्तियों का नाश भी शुरू हो जाता है ये नष्ट भी होने लग जाती है फिर जब योग वृत्ति अच्छे से विकसित हो जाएगी तो ये वृत्तियां नष्ट भी हो जाएंगी फिर तो विकसित करने की आवश्यकता है योग करने की आवश्यकता ठीक है।, है तो जरूर प्रयास करें कोशिश करें और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं बहुत बहुत आभार आप सभी का इस चैनल से जुड़ने के लिए मित्रों आज ये रिकॉर्डेड वीडियो है देखिए किसी कारणवश व्यस्तता आने वाली थी इसीलिए मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया ताकि कोई व्यवधान ना आए तो इसीलिए कुछ ऐसा कार्य जरूरी आ पड़ा कि लाइव नौ बजे नहीं आ पाए और ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको हम आज दे रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है हाँ। आप इसे पूरा सुन लें और इसका लाभ उठाएं और कल का विषय आनंद का विषय ब्रह्मानंद क्या चीज है उस पर उसके रहस्य पर चर्चा होगी जो कि तैतरीय उपनिषद में ही बताया गया है ध्यान योग की क्लासेस शुरू होंगी और भी कुछ कोर्सेस क्लासेस आएंगी स्वास्थ्य से संबंधित हेल्थ से संबंधित लाई जाएंगी और ध्यान योग की जो कोर्सेस हैं वो बीस तारीख से शुरू होगी उसका रजिस्ट्रेशन उसकी ज्वाइनिंग जल्द ही शुरू हो जाएगी परसों से शुरू होगी संभवता परसों से जरूर शुरू हो जाएंगी आप संपर्क करें उसको ज्वाइन करें जो लोग करना चाहते हैं ठीक है तो 20 तारीख से नया कोर्स फिर शुरू होगा तो अभी आज के इस विचार को विचार प्रवाह को आज के इस सभा को यहां विराम देंगे विश्राम देंगे इस विश्राम के बाद फिर कल नौ बजे हम श्रृंखला आगे बढ़ाएंगे तैतरीय उपनिषद की और आगे के श्लोकों पर चर्चा करेंगे जिसका विषय ब्रह्मानंद का विषय बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़ने के लिए और बने रहने के लिए इस चैनल का कंटेंट इस चैनल के के विषय वस्तु और चर्चाएं आपको उचित लगे श्रेष्ठ लगे तो निश्चय ही आप इसको शेयर भी कर दिया करें ताकि और अधिक समाज के लोग लाभान्वित हो सके बहुत बहुत आभार आप, आप सभी का